नमस्कार, स्वागत है आपका खबरी में। मैं हूं परिधि अग्निहोत्री और चलते हैं आज के अपने खबरों की ओर। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर दुनिया के कई देशों ने भारत को दी बधाई। पीएम मोदी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों का जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के स्वतंत्रता दिवस पर विश्व नेताओं की ओर से मिले शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दिए संदेश में कहा कि उनकी ओर से शुभकामनाएं पाकर वह भाव विभोर हो गए। मोदी ने कहा कि भारत वास्तव में फ्रांस के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को महत्व देता है। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पन्नीरस्वामी के सहयोगी के 26 ठिकानों पर विजिलेंस एजेंसी ने की छापेमारी। तमिलनाडु में विजिलेंस और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में AIADMK के पूर्व विधायक KPP भास्कर व उनके परिवार के 26 ठिकानों पर शुक्रवार सुबह छापेमारी की। भास्कर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री व AIADMK के अंतरिम महासचिव ई पल्लीस्वामी के सहयोगी है। एजेंसी ने दावा किया कि उनकी संपत्ति आय से 4,72,00,000 अधिक थी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। देश के कई राज्यों में जोरदार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात हैं। कई जगह नदी नाले उफान पर है, वहीं कई जगह डैम के गेट खोल दिए गए हैं। मानसून के दूसरे फेज में कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्यों से लेकर दक्षिणी राज्यों तक कई जगह तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। IMD ने बता दिया है कि कब से बारिश की गतिविधियों में कमी आने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके में अगले 2 दिन तक एक्टिव मानसून की स्थिति बरकरार रहने वाली है, जबकि उसके बाद बारिश की गतिविधियां कम होंगी। मध्य प्रदेश के धार में कारम डैम का खतरा टला। धार जिले के लीकेज वाले कारम डैम से अब पानी का बहाव कम हो गया है, जिससे बड़ा खतरा अब टल गया है। कारम डैम से निकला पूरा पानी नर्मदा महेश्वर में जाकर मिल गया है, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर जरूर बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि किसी भी गांव में पानी नहीं भरा है, सभी गांव पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई खतरा नहीं है। हमारे चैनल को और जुड़े रहिए खबरी के साथ, हमारी रहती है हर खबर पर नजर।